ईरानी हमले से बौखलाए इसराइल ने अब तक कोई सीधा पलटवार नहीं किया है। हालांकि इस बात की पूरी आशंका जताई जा रही है कि इसराइल ईरान के हमले को आसानी से भूलने वाला नहीं है। हमले से भड़के इजरायली पीएम पहले ही ईरान को नतीजा भुगतने की धमकी दे चुके हैं। दावा है कि इसराइल चुपके चुपके ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, मगर अब तक इसराइल की ओर से ऐसी कोई साजिश की बू नहीं आ रही है। इससे ईरान समर्थित प्रॉक्सी गुट में भी खलबली मची हुई है। इस कड़ी में इराक में इस्लामिक प्रतिरोध के एक प्रमुख गुट के नेता ने इसराइल को कड़ी चेतावनी दी है। इराकी हिजबुल्ला ब्रिगेड डिफेंस ब्यूरो के चीफ अबू अली अल अस्करी ने कहा, यदि इसराइल ऊर्जा भंडार से जुड़ा युद्ध शुरू करता है, ईरान, इराक, लेबनान या यमन में ऊर्जा स्रोतों पर हमला करता है, तो दुनिया को हर दिन 12 मिलियन बैरल का नुकसान होगा। यमन के हूती लड़ाके बाब अल मंडाब में क्या करेंगे और ईरान में हमारे साथी होर्मूज जल डमरू मध्य में क्या करेंगे, इसका अंदाजा लगा पाना और भी मुश्किल है। गौरतलब है कि इजरायली नेताओं ने ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमला करने की धमकी दी है। इसमें परमाणु ऊर्जा और तेल रिफाइनरी के खिलाफ हमला भी शामिल है। अस्करी ने चेताते हुए कहा कि प्रतिरोध की प्रतिक्रिया इजरायल तक सीमित नहीं होगी, इसकी जद में इजरायल को बढ़ावा देने वाले और भी देश आएंगे। इसकी आग इराक में अमेरिकी ठिकानों और उसकी सुविधाओं तक फैलेगी। प्रतिरोध गुट अब शांत बैठने वाला नहीं है। जब तक इजरायल को दुनिया के नक्शे से हटा नहीं दिया जाता, तब तक हमले जारी रहेंगे। इराकी नेता अस्करी ने ताज़ा धमकी ऐसे समय पर आई है जब हूती नेता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने लाल सागर में ओलंपिक स्पिरिट टैंकर पर हमले का दावा किया। 10 अक्टूबर को शेयर किए अपने वीडियो संदेश में सारी ने दावा किया था कि हूती लड़ाकों ने टैंकर को निशाना बनाकर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين الأولى استهدفت من خلالها سفينة أولمبيك إسبريت النفطية الأمريكية وقد تم استهداف السفينة في البحر الأحمر بأحد عشر صاروخا باليستيا وطائرتين مسيرتين وقد أصيبت إصابة مباشرة وبالغة بفضل الله ونفذت العملية بشكل مشترك بين القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية العملية الثانية نفذتها القوة الصاروخية بصاروخ مجنح استهدفت سفينة سينت جون في المحيط الهندي وكانت الإصابة مباشرة بفضل الله وتم استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة। होर्मूज जल डमरू मध्य ईरान और ओमान के बीच एक महत्वपूर्ण तेल पारमगम चेक पॉइंट है। तेल टैंकर हर दिन जल डमरू मध्य से लगभग 17 मिलियन बैरल तेल ले जाते हैं, जो कि दुनिया की कुल खपत का 20% की हिस्सेदारी रखता है। एक्सपर्ट्स की माने तो होर्मूज की खाड़ी की पूरी नाकाबंदी तेल से कीमतें आसमान छूती हैं, जो वर्तमान में लगभग $80 प्रति बैरल है, तो वहीं इसके भाव बढ़कर 300 रुपए प्रति बैरल से ज्यादा हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट में पूरी संभावना बनी हुई है कि इसराइल ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 का बदला लेने को उतारू है। मालूम हो कि ईरान ने 1 अक्टूबर को पूरे इसराइल में उसके सैन्य और खुफिया सुविधाओं के खिलाफ कम से कम 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। दावा है कि ईरान का वार कई इजरायली हमलों को प्रतिशोध में था। इसमें हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो प्रमुख इस्माइल हानिये, हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला और आईआरजीसी के जनरल अब्बास निलफुराशून की हत्या समेत कई कमांडरों के मारे जाने के बदले अलस्करी की हालिया धमकी इजरायली चैनल 14 की ओर से टेलीकास्ट किए गए एक हिस्से के बाद आई, जिसमें संभावित हत्या की सूची में आयतुल्ला अल सिस्तानी, यमनी नेता अब्दुल मलिक अल हौती, हिजबुल्ला के डिप्टी लीडर नईम कासिम, हमास प्रमुख याह्या सिनवार, ईरानी कुद्स फोर्स कमांडर इस्माइल कानी और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई शामिल हैं। इस बीच इजरायली सेना ने बीते 4 अक्टूबर को हुए हमले पर बड़ा अपडेट दिया है। IDF ने बताया कि उत्तरी इजरायल और कब्जे वाले गोलान हाइट्स पर इराक से ड्रोन हमले हुए थे, जिसमें इजरायल के 2 सैनिक मारे गए और 24 अन्य घायल हो गए।